हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम जनरल नॉलेज के इन्वेंशन इस सब टॉपिक के ऊपर सेकंड क्विज लाए हैं। इससे पहले हम फर्स्ट क्विज कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड क्विज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक द साउंड बैरियर इन फ्लाइट। नीचे देखिए, में से कौन सा वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने साउंड बैरियर को फ्लाइट में जो साउंड बैरियर होता है उसे ब्रेक किए। ऑप्शन 1 एनी ग्रीन, ऑप्शन 2 चक ईगर, ऑप्शन 3 क्रेग ब्रिडियो, 4th रिचर्ड नोबल। इन चारों में से ऐसा कौन सा पर्सन था हु ब्रेक द साउंड बैरियर इन फ्लाइट, जिसने साउंड बैरियर को फ्लाइट में ब्रेक किया। एनी ग्रीन, चक ईगर, क्रेग ब्रिडियो, रिचर्ड नोबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चक ईगर। चक ईगर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक द साउंड बैरियर इन फ्लाइट, और द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक द साउंड बैरियर इन फ्लाइट वॉज चक ईगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जुआन पॉन्स डे लियोन वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर विच ऑफ दिस प्लेसेस। जुआन पॉन्स डे लियोन पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने डिस्कवर किया नीचे दिग में से कौन सी प्लेस। जुआन पॉन्स डे लियोन ने वो ऐसे फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने डिस्कवर किया क्या, इनमें से नीचे दिग में से कौन सा सिटी या फिर कौन सी जगह उन्होंने डिस्कवर की। ऑप्शन नंबर 1 कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर 3 इज बोस्टन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज शिकागो। तो इन चारों में से कौन सी प्लेस जॉन पॉन्स डे लियोन ने डिस्कवर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्लोरिडा। जॉन पॉन्स डे लियोन वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा दिस प्लेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द जॉन पॉन्स डे लियोन हु इज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू रीच द नॉर्थ पोल ऑन फुट। नीचे देखिए, में से कौन सी वो पहली महिला है जो नॉर्थ पोल में ऑन फुट गई, यानी कि वो चलते हुए गई अपने पैरों पे चलते हुए गई। ऑप्शन नंबर 1 जेन बैंक्रॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 विवियन फुच्स, ऑप्शन नंबर 3 इज एन बैंक्रॉफ्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नाओमी उमुरा। तो इन चारों में से कौन सी वो पहली महिला थी जो नॉर्थ पोल में अपने पैरों पे गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एन बैंक्रॉफ्ट। एन बैंक्रॉफ्ट वॉज द फर्स्ट वुमन टू रीच द नॉर्थ पोल ऑन फुट, और द फर्स्ट पर्सन वुमन टू रीच द नॉर्थ पोल ऑन फुट वॉज एन बैंक्रॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट द अर्थ। नीचे देखिए, में से कौन सा वो फर्स्ट अमेरिकन है जिसने अर्थ के चक्कर लगाए, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में वो ट्रैवल किया। ऑप्शन नंबर 1 नील एमस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 बज एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर 3 जॉन ग्लेन, ऑप्शन नंबर 4 एडमंड वाइट। तो इन चारों में से वो कौन सा पहला अमेरिकन था जिन्होंने अर्थ के ऑर्बिट पे चक्कर लगाया। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जॉन ग्लेन। जॉन ग्लेन वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट द अर्थ, और द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट द अर्थ
was John Glenn. Next. Question number 5. In which year was the first man-made satellite Sputnik launched? नीचे दिए गए में से कौन से ईयर में फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट यानी कि पहली मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुटनिक लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर 1957, ऑप्शन नंबर 2 1958, ऑप्शन नंबर 3 1950, ऑप्शन नंबर 4 1956। नीचे दिए गए में से कौन से ईयर में सबसे पहली मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुटनिक लॉन्च की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1957। इन 1957 द फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट स्पुटनिक लॉन्च्ड और द फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट स्पुटनिक लॉन्च्ड इन ईयर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? नीचे दिए गए में से वो कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने जो मून पे चले यानी कि उन्होंने वॉक की? ऑप्शन नंबर 1 बज एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर 2 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3 जॉन ग्लेन, ऑप्शन नंबर 4 एडमंड वाइट। इन चारों में से वो कौन सा फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने चांद पे पैर रखे और चले वो? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु अमॉन्ग दिस वॉज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस टूरिस्ट? नीचे दिए गए में से कौन सा वो पहला प्राइवेट स्पेस टूरिस्ट है? ऑप्शन नंबर 1 सैली राइड, ऑप्शन नंबर 2 मिचेल कॉलिंस, ऑप्शन नंबर 3 जियोन एस फ्लूफोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज डेनिस टिट्टो। तो इन चारों में से वो कौन सा पहला प्राइवेट स्पेस टूरिस्ट है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डेनिस टिट्टो। डेनिस टिट्टो वॉज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस टूरिस्ट और द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस टूरिस्ट वॉज डेनिस टिट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई द अटलांटिक सोलो? नीचे देखे में से वो कौन सी पहली महिला है जिन्होंने फ्लाई किया अटलांटिक सोलो यानी अटलांटिक में फ्लाई द अटलांटिक सोलो यानी अकेले वो अटलांटिक पार किए उन्होंने फ्लाई किया फर्स्ट वुमन? ऑप्शन नंबर 1 सैली राइड, ऑप्शन नंबर 2 एमिलिया इरहार्ट, ऑप्शन नंबर 3 हैरियट क्विम्बी, ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी पहली महिला है हु फ्लाई द अटलांटिक सोलो? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एमिलिया इयरहार्ट। एमिलिया इयरहार्ट वॉज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई द अटलांटिक सोलो और द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई द अटलांटिक सोलो वॉज एमिलिया इयरहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु मेड द फर्स्ट सोलो नॉन स्टॉप ट्रांसलांटिक फ्लाइट? नीचे देखे में से कौन सा ऐसा पर्सन था जिन्होंने सबसे पहले सोलो नॉन स्टॉप ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट तैयार की? चार्ल्स लिंडबर्ग, बेन अब्रुजो, रॉन क्लार्क, चार्ल्स उन।
चार्ल्स उलन। तो इन चारों में से कौन सा वो पहला व्यक्ति था जिसने फर्स्ट सोलो नॉनस्टॉप ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट की? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स लिंडबर्ग। चार्ल्स लिंडबर्ग मेड द फर्स्ट सोलो नॉनस्टॉप ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग दिस वाज द फर्स्ट टू स्विम द इंग्लिश चैनल इन 1875। नीचे देखो में से वो कौन सी पहला व्यक्ति था हु स्विम द इंग्लिश चैनल, यानी कि इंग्लिश चैनल को उसने 1875 में स्विम किया, यानी कि तैर के पार किया 1875 में, और वो ऐसा कौन सा फर्स्ट पर्सन था? ऑप्शन नंबर 1 केविन मुरपाय, ऑप्शन नंबर 2 रिचर्ड डेवी, ऑप्शन नंबर 3 मैथ्यू वेब, ऑप्शन नंबर 4 जॉन इरिक्सन। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने इंग्लिश चैनल को 1875 में तैर के पार किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मैथ्यू वेब। मैथ्यू वेब वॉज द फर्स्ट टू स्विम द इंग्लिश चैनल इन 1875, और द फर्स्ट टू स्विम द इंग्लिश चैनल इन 1875 वॉज मैथ्यू वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी स्विमर्स फ्रॉम बॉम्बे फ्रॉम द रिले टीम विच बिकेम द यंगेस्ट रिले टीम टू स्विम द इंग्लिश चैनल? कितने स्विमर्स की वो टीम बनी बॉम्बे में से, बॉम्बे में वो टीम बनी फ्रॉम द रिले टीम, एक रिले टीम बनी, कितने स्विमर्स की बनी वो हमें फाइंड करने हैं। हु इज बिकम द यंगेस्ट रिले टीम, वो एक यंगेस्ट रिले टीम थी टू स्विम द इंग्लिश चैनल, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम करके यानी कि तैर के पार किया। तो कितने स्विमर्स की वो टीम थी जो बॉम्बे में बनी, जो बनी यंगेस्ट रिले टीम टू स्विम द इंग्लिश चैनल, और कितने प्लेयर्स थे स्विमर्स थे उस रिले टीम में? ऑप्शन नंबर 1 4 प्लेयर्स, ऑप्शन नंबर 2 5 प्लेयर्स, ऑप्शन नंबर 3 6 प्लेयर्स, ऑप्शन नंबर 4 7 प्लेयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6। देर आर 6 स्विमर्स फ्रॉम बॉम्बे फ्रॉम द रिले टीम विच बिकेम द यंगेस्ट रिले टीम टू स्विम द इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू स्विम द इंग्लिश चैनल? वो पहली ऐसी महिला का नाम बताइए जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। ऑप्शन नंबर 1 गर्ट्रूड इड्रिल, ऑप्शन नंबर 2 मर्सिडीज ग्लिट्ज़, ऑप्शन नंबर 3 लिंडा मैक्विल, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गर्ट्रूड इड्रिल। गर्ट्रूड इड्रिल वॉज द फर्स्ट वुमन टू स्विम द इंग्लिश चैनल। गर्ट्रूड इड्रिल ये पहली महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। गर्ट्रूड इड्रिल वॉज द फर्स्ट वुमन टू स्विम द इंग्लिश चैनल, और द फर्स्ट वुमन टू स्विम द इंग्लिश चैनल वॉज गर्ट्रूड इड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो ओवर द नायग्रा फॉल्स इन ए बैरल एंड सर्वाइव द अटेम्प्ट? वैसा कौन सा सबसे पहला व्यक्ति है जो नायग्रा फॉल्स में गया इन ए बैरल एंड सर्वाइव द अटेम्प्ट, और वो सर्वाइव कर गया अटेम्प्ट में? ऑप्शन नंबर 1 मैथ्यू वेब,
second Bobby Leach, third Annie Edson Taylor, and option fourth is Jean Albert Lucier. तीन चारों में से कौन सा ऐसा पहला पर्सन था जो टू गो ओवर द नियाग्रा फॉल्स में गए इन ए बैरल एंड सर्वाइव द अटेम्प्ट, और उस अटेम्प्ट में वो सर्वाइव कर गए यानी कि जिंदा बच गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एनी इट्सन टेलर। एनी इट्सन टेलर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो ओवर द नियाग्रा फॉल्स इन ए बैरल एंड सर्वाइव द अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु मेड द फर्स्ट सोलो एसेंट टू माउंट एवरेस्ट। नीचे दिए गए में से किस पर्सन ने फर्स्ट सोलो एसेंट टू माउंट एवरेस्ट यानी कि पहला ऐसा व्यक्ति था जो ऐसे सोलो गया माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए, उसे पार कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 लेनी कॉक्स, ऑप्शन नंबर 2 रीनहोल्ड मेसनर, थर्ड रिमी ब्रिक्का, फोर्थ अल्फ्रेड जॉनसन। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने फर्स्ट सोलो एसेंट में माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया अकेले। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रीनहोल्ड मेसनर। रीनहोल्ड मेसनर मेड द फर्स्ट सोलो एसेंट टू द माउंट एवरेस्ट, और द फर्स्ट सोलो एसेंट टू माउंट एवरेस्ट मेड बाय रीनहोल्ड मेसनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्री स्लाइस्ड लोफ ऑफ ब्रेड गो ऑन सेल। नीचे देख में से किस प्लेस में वर्ल्ड्स फर्स्ट प्री स्लाइस्ड लोफ ऑफ ब्रेड गो ऑन द सेल यानी कि जो प्री स्लाइस्ड लोफ ऑफ ब्रेड है वो सेल में गया वर्ल्ड के किस प्लेस में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 1 बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 2 लंदन, ऑप्शन नंबर 3 बैटल क्रीक, ऑप्शन नंबर 4 लॉयंस फ्रांस। इन चार में से कहाँ पे दुनिया का पहला प्री स्लाइस्ड लोफ ऑफ ब्रेड सेल में गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बैटल क्रीक। द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्री स्लाइस्ड लोफ ऑफ ब्रेड गो ऑन द सेल एट बैटल क्रीक, और एट द बैटल क्रीक द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्री स्लाइस्ड लोफ ऑफ ब्रेड गो ऑन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपनड इन। दुनिया का पहला फास्ट फूड रेस्टोरेंट कहाँ पे ओपन हुआ। ऑप्शन नंबर 1 उठा, ऑप्शन नंबर 2 टेक्सास, ऑप्शन नंबर 3 लॉन्ग आइलैंड, ऑप्शन नंबर 4 सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का जो पुराना नाम है सैन बर्नार्डिनो। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपनड इन वेयर, उठा टेक्सास, लॉन्ग आइलैंड, सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया उर्फ कैलिफोर्निया। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है ये फाइंड करने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपनड इन सैन बर्नार्डिनो उर्फ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया सैन बर्नार्डिनो वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट वॉज ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु क्रिएटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल मिनरल वाटर इन 1741। नीचे दिए गए में से
किस पर्सन ने फर्स्ट आर्टिफिशियल मिनरल वाटर 1741 में क्रिएट किया, यानी कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल मिनरल वाटर 1741 में क्रिएट किया गया वो किसने किया। ऑप्शन नंबर वन जैकोब स्क्यूविपी, सेकंड विलियम ब्राउनरिक, थर्ड टाउनसेंड स्पीकमैन, फोर्थ डॉक्टर पेपर। तीन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल मिनरल वाटर 1741 में क्रिएट किए। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू विलियम ब्राउनरिक। विलियम ब्राउनरिक क्रिएटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल मिनरल वाटर इन 1741 और द फर्स्ट आर्टिफिशियल मिनरल वाटर इन 1741 वॉज क्रिएटेड बाय विलियम ब्राउनरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट डाइट सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च्ड। नीचे दिए गए में से किस ईयर फर्स्ट डाइट सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च्ड हुई। ऑप्शन नंबर वन 1956, ऑप्शन नंबर टू 1953, ऑप्शन नंबर थर्ड 1952, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1955। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 1952। In 1952, the first diet soft drink launched, or the first diet soft drink launched in 1952 year. Next question. Question number 19. Who among these invented the first soda siphon called the Regency Portable Fountain? नीचे दिए गए में से किसने invent किया the first soda siphon, जिसे आज कहा जाता है the Regency Portable Fountain? ऑप्शन नंबर वन डॉक्टर जॉन स्टीथ, ऑप्शन नंबर टू विलियम पिंटर, ऑप्शन नंबर थर्ड चार्ल्स प्लिंथ, ऑप्शन नंबर फोर्थ कैलेब ब्रैडम। तीन चारों में से वो कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति है जिन्होंने फर्स्ट सोडा सिफॉन कॉल द रिजेंसी पोर्टेबल फाउंटेन फाउंड किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड चार्ल्स प्लिंथ। चार्ल्स प्लिंथ इन्वेंटेड द फर्स्ट सोडा सिफॉन कॉल्ड द रिगेंसी पोर्टेबल फाउंटेन और द फर्स्ट सोडा ऑफ सिफॉन कॉल्ड द रिगेंसी पोर्टेबल फाउंटेन वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स प्लिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर वुमन। महिलाओं के लिए सबसे पहला वृत्तपत्र यानी कि न्यूज़पेपर कौन सा था। ग्लासगो डेली रिकॉर्ड, सेकंड डेली मिरर, थर्ड डेली मेल या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू डेली मिरर। डेली मिरर वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर द वुमन और द फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर वुमन वॉज डेली मिरर। डेली मिरर ये पहला न्यूज़पेपर था महिलाओं के लिए। तो इसी तरह से हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं जनरल नॉलेज के इन्वेंशन इस सब टॉपिक के ऊपर। ये सेकेंड सेट था क्विज का जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर ये वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है, नॉलेज मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सपोर्ट शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए और स्टडी में हमेशा कंसिस्टेंट रखें, कॉन्सेंट्रेटेड रहें, मोटिवेटेड रहें, इंस्पिरेशन लीजिए किसी से।
काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए, और इसी तरह से अपनी कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रखें। थैंक यू वेरी मच।